बात करते हैं उस वाकये की जिसने गुज़िश्ता 3 दिनों से हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई हुई है, और वो है पंजाब पुलिस की एक कारकर्दगी की आम मिसाल, जिन्होंने अपनी ही कांस्टेबल को इंसाफ दिलाने में नाकामी दिखा दी। और FIR इस हवाले से कटवा ली गई है, लेकिन FIR में जो थप्पड़ मारने वाला वकील है उसके नाम में थोड़ी सी गलती हो गई है, और उस गलती का फायदा अदालत ने मुल्ज़िम को ही दे दिया है, और इसके बाद उसको जमानत पर रिहा भी कर दिया। अब वो लड़की फायजा, उनका कहना है कि उनका तबादला फिरोजवाला से मुरीद के कर दिया गया, तो कॉन्स्टेबल फायजा ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया, यानी एक तो उन्हें इंसाफ भी नहीं मिला, दूसरा उनका तबादला भी कर दिया गया। कॉन्स्टेबल फायजा मौजूदा हालात में शदीद ज़हनी दबाव का शिकार दिखाई दे रही है, और उनका कहना है कि ये करप्ट माफिया है और इस निजाम में काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मैं बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। मेरे अपने ही महकमे के कुछ लोगों की वजह से FIR वीक हुई। मैं सिस्टम से फेड अप हो चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के तशद्दुद के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। मुबैना तौर पर पुलिस की हिरासत में लिए जाने वाले मुलजमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले आमिर की अस्पताल मुंतकली की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। 2 सादा अहलकारों को बेहोश आमिर मसीह को लाते मारते देखा जा सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की पसलियां टूटी हुई थी। पंजाब पुलिस बच्चों को भी सफाकी का निशाना बनाने लगी है। कसूर में नवी जमात के तालिबे इल्म को मोबाइल चोरी के इल्जाम में थाने ले जाकर इतना तशद्दद किया गया कि नसीर के गुर्दे मुतासर हो गए, और ना सिर्फ गुर्दे मुतासर हुए, खून की उल्टी आने लगी। और साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि विहाड़ी में भी एक ऐसा ही हौलनाक वाकया पेश आया, जहां पुलिस का निजी टॉर्चर सेल, तो जो निजी टॉर्चर सेल है इनकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। वहां पर उस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन खातून की हालत तश्वीशनाक है, उनको इलेक्ट्रिसिटी के शॉक भी दिए गए हैं। इस पर DSP SHO समेत 13 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और वो खातून उनके अहले खाना कहते हैं कि हम हुक्मरानों से और इंसाफ की अपील करते हैं। लाहौर के इलाके रायवंड सिटी की बात करें तो पुलिस का घर में घुसकर जमींदार के ड्राइवर पर मुबैना तशद्दुद, चौकी इंचार्ज 5 अहलकारों के साथ दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हो गए, और ड्राइवर जमान को पुलिस अहलकारों ने मुबैना तौर पर थप्पड़ और डंडे मारे। ड्राइवर जमान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, और शफात अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है साहिवाल वाकये को, जिसमें पूरी की पूरी फैमिली को दहशतगर्द समझकर जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया था, और फिर जो बच्चे हमें नजर आए थे उस पर बड़े सवालात उठे थे। उस वक्त बड़ी बहस हुई थी कि पुलिस में इस्लाहात होना चाहिए, पुलिस का रवैया ऐसा होना चाहिए, लेकिन पुलिस का रवैया है कि वो सुधर ही नहीं रहा है। ये पंजाब पुलिस तक महदूद नहीं है बात, पुलिस का ओवरऑल किरदार, उनका जो ओवरऑल तरीका तफ्तीश है वो वक्त के साथ साथ अडेप्ट नहीं हुआ और जदीद तकाजों से मांग नहीं हुआ। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं वो लेडी कांस्टेबल फायजा, जिनको एक वकील ने थप्पड़ मारा, और उसके बाद जब FIR कटी तो FIR में पुलिस ने वकीलों का साथ दिया। बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। बताइएगा कि फायजा आप केस लड़ सकती थी, आप FIR दोबारा रजिस्टर करवा सकती थी, अगर उस FIR में 2 जगह पे उस शख्स का नाम सही था और 1 जगह गलत था, तो आपके पास लीगल ग्राउंड मौजूद था, आप उसको बैटल लड़ सकती थी, लेकिन आपने इस्तीफे का रास्ता अख्तियार किया, क्यों? अगर होता रहा फिर हो सकता है मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं मजबूरी में आके इस्तीफा दूँ, लेकिन मैंने अभी फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं दिया। जिसने भी रिकॉर्ड की है ना खबर है, इनको पहले वो जो रिकॉर्डिंग है ना उसको गौर से सुने कि उसमें इस्तीफा है या नहीं है। अच्छा, यानी कि आप यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये बात क्लियर कर रही हैं कि इस्तीफा नहीं दिया गया है, तो फिर ये बताएं अब जबकि क्योंकि FIR है उसमें नाम गलत है, उसका फायदा दे के रिहा कर दिया गया है मुजरिम को, तो अब आप क्या कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई करने जा रही हैं? पहले सुना था कि केस जो है ना वो खारिज हो गया, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद की है ना, फिर मुझे पता चला कि केस में खारिज हुआ बेल हुई है, और बेल के दौरान मुझे खदशा था कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, जिस वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड की, लेकिन अब मेरा डिपार्टमेंट ने खुद भी एक्शन ले लिया है, तो अब डिपार्टमेंट ने खुद एक्शन ले लिया है तो अब आपको कुछ तसल्ली होने लगी। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन जानते नहीं है कि तशद्दुद का वाकया वकील की जानिब से पेश कैसे आया,
इसके बारे में कुछ बताइए, और आपके महकमे ने आपको छोड़ के वकला बरादरी का साथ क्यों दिया, ये भी जरा इस बारे में रोशनी डालिएगा। और मैंने कहा सर आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको बोलने का नहीं पता, इतनी सी मेरी बात से उससे गुस्सा आया, उसने मारना फिर शुरू कर दिया मुझे, मतलब कहा था भाई शुरू हो गई है। लेकिन वन मिनट डी एस पी साहब आ रहे हैं खुद अपने ऑफिस से, उन्होंने इसे गिरफ्तार किया है, चम्मच ले लिए सर, मुझे अपने डिपार्टमेंट से कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें भी, सारी मजबूर है वो क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी कांस्टेबल का और बता रही थी कि प्रेशराइज किया जा रहा है उनके वकला बरादरी को, लेकिन इंसाफ का तकाजा तो ये है कि उनकी बात सुनी जाए, और एफआईआर में नाम गलत है, यहीं से बुनियाद ही गलत पड़ी है इस केस की, तो इसको देखना चाहिए, और ये भी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। हमारे रिपोर्टर हैं क्राइम रिपोर्टर बाबर खान, उनसे पूछते हैं इस बारे में उनके पास क्या अपडेट्स है, क्योंकि उनके पास जाहिर है पुलिस का वर्जन भी होगा कि पंजाब बाबर ही बताएगा, पंजाब पुलिस की जानिब से टॉर्चर के वाकयात में हम देख रहे हैं इजाफा होता जा रहा है, बिलखसूस हम देख रहे हैं पे दर पे वाकयात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से आईजी पंजाब की जानिब से कोई बात सामने आई है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं और कोई इकदाम उठाए गए हैं? आई जी पंजाब की तरफ से ये इकदाम किए जा रहे हैं कि आए रोज़ ऐसे वाक़ियात होते हैं, आई जी साहब सिर्फ नोटिस लेने पर बैठे हुए हैं, फौरी तौर पर नोटिस ले लिया जाता है कि जिस वाक़िया का नोटिस ले लिया ये कर दिया, उसको मतल कर दिया है, आखिर ये कि टॉर्चर क्यों नहीं रुक रहे? लाहौर में भी तकरीबन अब तक 7 वाक़ियात ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं, आमर मसीह जिसकी FIR तो दर्ज होगी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, CCTV फुटेज भी सामने आ गई, जिससे तशद्दुद साबित भी हो गया, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन चार्ज है उसे गिरफ्तार किया है, बाकी जो मुल्ज़िम CCTV फुटेज में नज़र आ रहे हैं कांस्टेबल, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जबकि इसके साथ 4 दीगर मुल्ज़िमान भी थे, इस पर तो शक की बिना पर इसे हिरासत में लिया था। आमिर मसीह का क्या कसूर था? जिस वक्त आमिर मसीह को गिरफ्तार किया गया, आमिर मसीह के हाँ एक बच्चे की विलादत हुई थी, उसका बेटा 4 रोज़ का था जिस वक्त इसे गिरफ्तार किया गया, उसके बच्चे के सर से तो बाप की शफकत का साया वो तो उठा लिया गया, बच्चे को उसने गोद में भी नहीं खिलाया, उसे उठाया भी नहीं, प्यार भी नहीं किया, और पुलिस ने उसे टॉर्चर करके उसे कत्ल कर दिया। अब उसमें मुकदमा तो गोद दर्ज हो गया, लेकिन देखना यह है कि मुल्ज़िमान जो बाकी हैं उन्होंने ना तो इंटरिम करवाई है, बाबा साहब जमानत भी नहीं करवाई है। एक बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि पंजाब पुलिस की जानिब से हवालात में कैमरे लगाए जाएंगे इस तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम के लिए, वो कैमरे क्या हुए, क्या बना उसके बाद उस पूरे प्रोजेक्ट का, और क्या अगर वो कैमरे अगर अब कहीं मौजूद है, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर कुछ वो कैमरे मौजूद हैं तो क्या कभी उनकी फुटेज सामने आई जिससे पता चला हो कि किस किस्म का तशद्दुद हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस तशद्दुद हवालात में नहीं करती, पुलिस तशद्दुद जो है वो अपने दूसरे मुकाम पर करती है, वहाँ से उसको लाकर हवालात में गैर कानूनी तौर पर जब जिसको रखा होता है, और उनको रात के टाइम दूसरे मुकाम से अपने टॉर्चर निजी टॉर्चर सेल से लेके आती है, हवालात में बंद करती है ताकि अदालती बेलफ का कोई ख़तरा ना रहे, क्योंकि उस वक्त अदालती बेलफ का कोई ख़तरा नहीं होता, रात भर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, दिन के टाइम उसको फिर गायब कर दिया जाता है और अपने निजी टॉर्चर सेल में चले जाते हैं। बाबर बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी डिटेल बताई कि हो क्या रहा है एक्चुअली पंजाब पुलिस में, और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मजीद बात करने के लिए पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल। शहबाज गिल साहब, वाकयात आ रहे हैं सामने, अफसोसनाक वाकयात हैं पंजाब पुलिस की जानिब से, इन वाकयात में हम ये देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, आपकी हुकूमत आई थी इस्लाहात की बात करते थे इमरान खान साहब, और अब इस तरह के वाकयात होना, उस पर एक्शन ना होना, सिर्फ मुअत्तल कर देना, तबादला कर देना, क्या ये काफ़ी है, ये इकदाम काफ़ी हैं, क्या इकदाम हो रहे हैं? आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने शुरू दिन से ये कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएगी, और KP में भी हमने पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई जो बहुत सक्सेसफुल हुई, हमें पहला 2.5 साल लगा था तकरीबन ये रिफॉर्म्स लाने में और इनको इंप्लीमेंट करने में, लेकिन यहाँ पर भी अभी आपके सामने 1 साल हुआ है, इसमें भी हमने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं, पंजाब के थानों की सारी हवालातें जो हैं उनको हमने डिजिटलाइज कर दिया, वीडियो जो कैमराज लगाकर उनकी एक्सेस जो है वो हमारे पास है कि हम उन्हें देख सकते हैं, IG ऑफिस में हर वक्त मॉनिटर कर सकता है, इसी तरीके से SHO का कमरा, पुलिस का इस्तेमालिया, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये रिफॉर्म सारी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सूबा है बहुत देर का, पूरा निज़ाम जो है वो एक खराब हुआ है, ब्रोकन है, वी हैव टू फिक्स इट, और हम इंशाल्लाह इसको फिक्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
सर ये बताइएगा कि फिरोजवाला में जब हमने सुना कि पुलिस कांस्टेबल हैं फायजा, उनकी जानिब से मुस्ताफी होने की खबरें आईं, फिर आप ये बताइए कि पंजाब हुकूमत ने क्या स्टैंड लिया? वो कांस्टेबल के साथ खड़े हुए, वो वकला के साथ खड़े हुए, पंजाब हुकूमत का स्टैंड कहाँ पे आया? और ख़ासतौर पर वो कांस्टेबल जो कि विक्टिम खुद को डिक्लेयर कर रही हैं, उनके तहफ़ुज़ात दूर करने की क्या कोशिश हुई अब तक? उन्होंने बहुत ही घटिया हरकत की थी एक खातून ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने की, उनको अदालत के सामने पेश किया, अदालत ने कानून के मुताबिक उनकी बेल ले ली। अब हम हुकूमत इससे आगे कानून हाथ में नहीं ले सकती, जब अदालत एक शख्स की बेल ले तो उसको छोड़ना पड़ता है, तो जो भी कानून के अंदर रहते हुए इनकी मदद हम कर सकते हुए हम जरूर करेंगे। और वही मेरा सवाल शहबाज गिल साहब की तहरीके इंसाफ की हुकूमत का तो बड़ा इंतखाबी नारा था, थाना कल्चर की तब्दीली का, गुज़िश्ता एक बरस में इस हवाले से आप लोगों ने क्या काम किया है, कोई पॉलिसी तरतीब दी गई है? क्योंकि अगर इस तरीके से काम किया जा रहा है तो आप लोगों को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरह के वाकयात पर। जी ये एकदम से बहुत सारी ऐसे वाकयात हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम इंशाल्लाह सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए हैं और हम कोशिश करें कि पूरी तरह से इन तमाम चीजों को मॉनिटर भी करें और हम इनको इम्प्रूव भी करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द जो पुलिस रिफॉर्म का हमारा एजेंडा है वो भी हतमी हो चुका हुआ है, जो हमारा ड्राफ्ट है और उसको भी हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले चंद महीने में आपको तब्दीलियां आना शुरू भी होंगी, लेकिन इसको मुकम्मल तब्दील करने में वक्त दरकार है, वक्त लगना है, बहुत देर का बिगड़ा हुआ सिस्टम है, इसको फिक्स करते हुए वक्त लगना है। आप भी हमें साथ चाहिए और तमाम लोग हमारा साथ बिलाशुबा आपको मिलता रहेगा। हम समझ सकते हैं वक्त लगेगा, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑन फील्ड हमें नज़र तो आए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, पुलिस से ताल्लुक मुल्क की 99% आवाम का पड़ता है, वो इक्का दुक्का शराफी होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी पुलिस का सामना नहीं किया होगा। अगर पुलिस को रिफॉर्म कर दिया जाए तो माशरे से कई चीज़ों का, कई बुराइयों का खात्मा मुमकिन है। और इस वक्त जब हम बार बार देख रहे हैं किस किस्म के वाकयात सामने आ रहे हैं, ऐसे मौके पर महज कैमरे लगा देने से, महज एक बिल पास कर लेने से पुलिस रिफॉर्म्स को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकती। ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है जो इस बात का कायल है कि तशद्दुद के जरिए हर किस्म का इकबाल जुर्म करवाया जा सकता है।